पीएसएल कंपनी की एक और न्यूज आपके सामने है अभी ये स्क्रीन के सामने, तो देख लीजिए। सेबी ने पीएसएल के पूर्व निदेशक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो यह नई दिल्ली से ये न्यूज आई है। बाजार नियामक सेबी ने पीएसएल लिमिटेड के एक पूर्व निदेशक उपल देवेंद्र कुमार पर आज 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना कंपनी द्वारा आम लोगों से अवैध रूप से धन जुटाने के मामले में लगाया गया है। कुमार 1998 में 50 दिन के लिए कंपनी के निदेशक रहे थे। सेबी ने इस मामले में कुमार को एक पक्ष माना है। पीएसएल ने 1996 से लेकर 2014 के दौरान बड़ी संख्या में निवेशकों से अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए लगभग 49,100 करोड़ रुपए जुटाए थे। सेबी ने कहा कि 1998 में 50 दिन तक पीएसएल के निदेशक रहे कुमार ने अवैध सामूहिक निवेश योजना का प्रयोजन कार्यान्वयन किया, जो कि 2,315 दिन तक चली। तो दोस्तों ये है न्यूज़ जो मतलब आपको पता ही है कि मैं आपको सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ों से अवगत करवाता हूँ। मतलब कोई भी न्यूज़ छोटी और बड़ी नहीं होती, न्यूज़ तो न्यूज़ होती है। और वेब वर्ल्ड का काम होता है कि आपको हर न्यूज़ से अवगत करवाना। तो दोस्तों ये थी न्यूज़, आपको पता चल गई होगी। तो आप भी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो के नीचे जाके रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पीएसएल की सभी न्यूज़ों से अवगत रहिए। अगर आपने किसी का पैसा इन्वेस्ट करवाया है और आप उनको भी जानकारी समय समय पर देते रहिए। तो दोस्तों बस यही है, वेबर वर्ल्ड आपको सभी न्यूज़ें देता रहता है। अगर आपको कोई न्यूज़ आपसे छूट गई है या आप तक नहीं पहुंची है तो वेबर्क वर्ल्ड आप तक पहुंचा देता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेबर्क वर्ल्ड से जितनी भी न्यूज़ें आप तक आएँ तो वे बिल्कुल वीडियो के नीचे जाएं, रेड कलर के बटन को प्रेस कर लें, साथ में घंटी होगी इसको भी दबा लें। ठीक है दोस्तों, तो आपको मिलती रहेंगी इसमें इसमें पर न्यूज़ें। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।